Subscribe now to receive new updates every day. मलयालम एक्टर दिलीप को हाल ही में एक एक्ट्रेस के अपहरण और छेड़छाड़ के मामले में गिरफ्तार किया गया था। अब उनके बारे में खुलासा हुआ है कि उन्होंने यह साजिश 2013 में रची थी। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 2013 में दिलीप ने एक शख्स को एक्ट्रेस के न्यूड वीडियो बनाने और फोटो खींचने के लिए 1.5 करोड़ रुपए दिए थे। इसी साल 17 फरवरी को कोची जाते वक्त कुछ गुंडों ने एक ट्रेस का अपहरण कर लिया था। इस दौरान 2 घंटे तक चलती कार में उसके साथ छेड़छाड़ होती रही और उसकी फोटोज भी खींची गईं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया है कि एक ट्रेस दिलीप की पत्नी रही मंजू वॉरियर के क्लोज थी। 2015 में जब मंजू से तलाक हुआ, तब से दिलीप को लगता है कि उनकी शादी तोड़ने में एक ट्रेस का हाथ रहा है। मामले में गिरफ्तार आरोपी ने किया खुलासा। एक ट्रेस की शिकायत के बाद पुलिस ने दिलीप, उनके ड्राइवर पुलसर सुनी सहित 6 लोगों को 10 जुलाई को गिरफ्तार किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलसर ने दिलीप की साजिश का खुलासा किया है। उसने पुलिस को दिए बयान में कहा है कि दिलीप ने उसे एक ट्रेस के कई एंगल से वीडियो बनाने और फोटो खींचने के लिए कहा था। पुलसर ने यह भी कहा है कि उसने इस मामले में दिलीप को एक चिट्ठी भी लिखी थी। दिलीप ने पहले तो पुलसर को पहचाने से इनकार कर दिया था, लेकिन इसी बीच दोनों की एक सेल्फी सामने आई और सारे राज खुल गए। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है दिलीप। एक ट्रेस के अपहरण और छेड़छाड़ केस में दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने दिलीप को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। केरल पुलिस चीफ लोकनाथ बेहरा ने मीडिया को यह जानकारी देते हुए बताया था कि दिलीप के खिलाफ मिले सबूतों के आधार पर यह गिरफ्तारी हुई है। थैंक फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब नाउ टू रिसीव न्यू अपडेट्स एवरी डे। And don't forget to drop a like, leave a comment.